नमस्कार दर्शक मित्रों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके ही चहेती चैनल डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो की ओर से। फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अवर पेन सीरीज। फ्रेंड्स, इसके पहले पेन सीरीज में मैंने बैक पेन, नेक पेन, साइटिका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सभी के वीडियो बनाए हुए हैं। ये सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, गाउट 100 प्लस आर्थराइटिस के जो टाइप है उसमें का वन ऑफ द टाइप है गाउट। ये बहुत ही कॉमनली और रूटीन में पाया जाता है। गाउट में आगे आपको बात करूँ तो जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब यह मात्रा बढ़ने के कारण से यूरिक एसिड बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब कंकर स्वरूप में जमा होने लगते हैं। बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में जमा होते हैं, इसके कारण से वह जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि वह जॉइंट पे सूजन आ जाना, स्वेलिंग होना, रेड हो जाना, हॉट होना मतलब गर्म लगना, वो एरिया लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, साथ में वहाँ दर्द भी होने लगता है, अनबेरेबल पेन होता है, और साथ साथ में यह सब तकलीफ के कारण से वहाँ उसका फंक्शन कम हो जाता है, मतलब उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। एक्यूट गाउट में यूजुअली सिंगल जॉइंट, मतलब कि बॉडी के किसी एक जॉइंट को अफेक्ट होता है। क्रोनिक गाउट में एक से ज़्यादा जॉइंट में अफेक्ट होता है, और क्रोनिक गाउट में यूरिक एसिड लंबे समय से अनकंट्रोल रहता है, या तो कई बार बढ़ता है, नॉर्मल होता है, बढ़ता है, ऐसा फ्रीक्वेंटली अनकंट्रोल रहता है। आइए जानते हैं अब इसके कॉजेस के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट के कॉजेस के बारे में देखें तो ये इसका मेन कॉज है एक हेरिडिटरी या तो जीनेटिकली, मतलब कि जिसके पेरेंट्स को या तो परिवार में किसी सभ्य को ये है तो आपको ये गाउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जैसे कि बीन्स, चना वगैरह जो लोग ज़्यादा लेते हैं, दाल ज़्यादा लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन लोग को भी गाउट होने की संभावना रहती है। साथ में दूसरा एक कारण यह भी है कि कई बार हमारी बॉडी ही यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ये यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण से भी गाउट होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी से किडनी के माध्यम से जो यूरिक एसिड बाहर निकलता है वह पूरी मात्रा में नहीं निकल पाता है कई कारण से, तो ऐसे समय में भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट्स पे जाके वो जमा होते हैं। यूजुअली ये मेल्स में, मतलब पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली फीमेल्स से। वैसे तो फीमेल्स में भी होता है पर फीमेल्स में 40 प्लस की एज में यूजुअली देखा जाता है। 40 प्लस एज में मतलब कि मेनोपोजल एज में ये बहुत ही सामान्यतः पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको कहता आता हूँ कि एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। गाउट होने की सबसे ज़्यादा संभावना जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग बियर लेते हैं, उनको सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इसके सेकेंडरी कॉज में देखें तो कई डिसीजेज है जैसे कि डायबिटीज मलाइटस, मतलब कि जो लोग मधुप्रमेह डायबिटीज से पीड़ित है उसको भी ये होने की संभावना रहती है। किडनी फंक्शन जिसका एबनॉर्मल है, किडनी मतलब ठीक से काम नहीं करती है या पूरी काम नहीं करती, उसको ये तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि किडनी के माध्यम से ही किडनी यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। सम डिसीज और भी है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि खून की कमी, ऐसे डिसीज में भी यह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है, बहुत ही गंभीर होता है ल्यूकेमिया, वो भी एक कारण है यूरिक एसिड बढ़ने का। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, जिसका वजन जो रेगुलर कोर्स में होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, ओबेसिटी के कारण से भी उनको ये यूरिक एसिड की तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो लोग पानी कम कंज्यूम करते हैं, पानी कम लेते हैं, वाटर कम कंज्यूम करते हैं, उसको भी ये तकलीफ होने की संभावना रहती है। जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं उसको भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आइए जानते हैं अब इसके सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट के सिम्टम्स के बारे में देखें तो
सिम्टम इसका बहुत ही कॉमनली पाया जाता है पैर के ग्रेटर टो में, मतलब पैर के अंगूठों में। ये बहुत ही कॉमनली साइट है गाउट के लिए। वहाँ पर रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है और काफ़ी और सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं। नी जॉइंट में भी ये पाया जाता है, घुटनों में मतलब कि, साथ में एंकल जॉइंट में भी पाया जाता है, हाथों की उंगलियों में भी ये पाया जाता है, फिंगर्स के जॉइंट में भी ये पाया जाता है, बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में ये पाया जाता है। जब भी गाउट की तकलीफें होना शुरू होती है तो वह जॉइंट पर इन्फ्लामेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया आगे, इन्फ्लामेशन के कारण से वह जॉइंट गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, वहाँ टच करने पर बहुत गर्म महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है टच करने पर। कई बार इतना सेंसिटिव होता है तकलीफ़ कि वहाँ टच कर भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पेन होता है। ये दर्द रात को यूजुअली ज़्यादा बढ़ता है, लेट नाइट में तो और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, कई बार अर्ली मॉर्निंग तक ये पेन रहता है, ये अनबेरेबल पेन होता है। ये सब तकलीफ होने के कारण से वह जॉइंट में फंक्शन कम हो जाता है, मतलब कि वो जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाती है। और इसके साथ साथ में कई बार आदमी को फीवरिश भी महसूस होता है, मतलब कि बुखार जैसा महसूस होता है, बॉडी एक भी रहता है। कई बार यह यूरिक एसिड चमड़ी के नीचे, मतलब कि स्किन के नीचे जॉइंट के आसपास भी जमा होता है और वहाँ नोट्स बन जाती है, मतलब गांठे प्रकार की बन जाती है। वो काफ़ी एडवांस स्टेज होता है जिसको कि टोफाई कहते हैं या तो टोफस के नाम से ये पहचाना जाता है। आइए जानते हैं अब इसके डायग्नोसिस के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट के डायग्नोसिस के बारे में देखें तो गाउट का डायग्नोसिस करने के लिए यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में देखी जाती है, साथ साथ में यूरिन में भी यूरिक एसिड की मात्रा देखी जाती है, और साथ में अफेक्टेड जॉइंट्स जो भी होता है बॉडी का उसका एक्सरे भी निकाला जाता है। रूटीन में ये इतनी चीज़ों से पता चलता है गाउट के बारे में। थोड़े एडवांस टाइप्स के रिपोर्ट्स है, जैसे कि कई बार साइनोवियल फ्लूइड जो कि हमारे जॉइंट में होता है वहाँ से वो फ्लूइड को निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यह यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट्स में जाके जमा होता है और साइनोवियल फ्लूइड में वो जमा होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है और ये क्रिस्टल के कारण से उसका एफिकेसी कम हो जाता है, तो ये जाँच करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड भी लेना पड़ता है, साथ में उसकी बायोप्सी भी की जाती है। इससे पता चलता है कि गाउट क्या डिटेल उसकी पाई जाती है वो पता चलता है। आइए जानते हैं अब इसकी बेस्ट और टॉप रैंकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट की मोस्ट इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस, मदर टिंचर फॉर्म में ये लेनी चाहिए। 15-15 बूंद दिन में 3 बार, 1/2 कप ऑफ वाटर या तो पूरा कप गर्म पानी का लेना चाहिए, उसमें 15-15 बूंद दिन में 3 बार डाल के उसको एक एक चम्मच से सिप बाय सिप लेना चाहिए। ये एटलीस्ट 2 से 3 महीना लेना चाहिए, या तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो ये आधुनिक ज़माने की, मतलब लेटेस्ट टाइम की मेडिसिन है, जिसको कि फॉर्मिका रूफा मैं कहता हूँ, फॉर्मिका रूफा 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए, 3 दिन मेडिसिन लेनी चाहिए। इसको इस टाइम की मेडिसिन इसलिए कहा गया है कि ये पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ में ये रबिंग जो करने से फ़ायदा होता है, कई बार पेशेंट्स रब करता है कोई भी ऑइंटमेंट लेके और साथ में हीट एप्लीकेशन करता है, मतलब के हॉट फर्मेंटेशन करता है, गर्म शिकाई करता है, उसके कारण से भी उसको अच्छा लगता है। ऐसे सिम्टम्स जब पाए जाते हैं पेशेंट में तब फॉर्मिका रूफा 30 नाम की मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। थर्ड मेडिसिन की बात करूँ तो कॉल्चिकम है, कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। ये ग्रेटर टो हमारा जो है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाली मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो वो है बर्बेलिस वल्गारिस, ये 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन 3 दिन गोली 3 बार, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लेनी चाहिए, या तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। लास्ट और फिफ्थ इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एमोनफॉस, जो कि 6x पोटेंसी में लेनी चाहिए। ये जब एडवांस स्टेज होता है डिसीज का, गाउट का, जैसे मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि जॉइंट्स में जब स्किन के नीचे
नोट्स बनती है, गठान टाइप का सिचुएशन आता है, ऐसे सिचुएशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। एमोनफॉस 6x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। लंबे समय तक लेनी चाहिए मेडिसिन, जहाँ तक रिजल्ट नहीं मिलता यूजुअली ये 4 से 6 महीने लेनी चाहिए, या तो डिपेंड अपन द सिचुएशंस। ये हो गई होम्योपैथिक की बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। आइए जानते हैं अब इसके प्रिवेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, गाउट के प्रिवेंशन के बारे में देखें तो मैं हर वीडियो में कहते आता हूँ कि एडिक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, उसके कारण से कई डिसीज होते हैं। आपको अल्कोहल और बियर कंजम्पशन बंद करना होगा, क्योंकि ये कंजम्पशन करने से यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, सेडेंटरी लाइफ, मतलब कि आरामदायी ज़िंदगी कम करनी होगी, रेगुलर हमारा वर्क करना चाहिए, साथ में डाइट हैबिट भी चेंज करनी होगी। जैसे कि हमको हाई शुगर वाला डाइट नहीं लेना चाहिए, हाई प्रोटीन वाला डाइट नहीं लेना चाहिए। हाई प्रोटीन वाले डाइट से यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, हाई शुगर से वेट बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है, ओबेसिटी होती है। हमको हमारा वेट मेंटेन करना चाहिए, जो रेगुलर वेट होना चाहिए वो रखना चाहिए। रेगुलर वेट मेंटेन करने के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब इसकी प्रिवेंशन के बारे में डिटेल्स है। ये हो गई पूरी जानकारी गाउट के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी ये पेन सीरीज के वीडियोस में आगे आने वाले दिनों में मैं नी जॉइंट पेन के वीडियो के बारे में बताऊंगा, वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। अगर मेरा ये गाउट का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आपके फैमिली में भी शेयर कीजिए, ताकि ये सब लोग ये डिसीज़ के बारे में जाने, उससे अवेयर हो और इससे प्रिवेंट भी कर सके। इसको आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस चैनल को, साथ में दिया हुआ बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए। मिलते हैं मेरे अगले नी जॉइंट पेन के वीडियो के बारे में जब हम बात करेंगे तब। सो स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।